गुड मॉर्निंग एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे और अपना अपना टेक केयर कर रहे होंगे और बिग बॉस का एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग भी आपकी दुआओं से एकदम ठीक हैं। मैं हूँ निशा और आप सभी का मैं अपने चैनल निशाज बास्केट में एक बार फिर वेलकम करती हूँ। आ गई हूँ मैं बिग बॉस OTT 3 का लेटेस्ट रिव्यू लेकर। कल था मीडिया डे और मीडिया डे भैया मीडिया ने धजियां उड़ा दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बिग बॉस के कंटेस्टेंट के साथ, काफी मीडिया आई थी, तरह तरह के क्वेश्चन पूछे गए, बहुत ही भयानक क्वेश्चन पूछे गए और जिनका जवाब इन सब ने अच्छी तरह दिया। मेन जो क्वेश्चंस थे वो पूछे गए अरमान और कृतिका से। देखिए वो लोग खुद भी, चाहे पायल हो, चाहे अरमान हो, चाहे कृतिका हो, ये खुद भी दो शादियों को प्रमोट नहीं करते और खुद भी अगेंस्ट हैं, लेकिन इनकी हो गई। अब कृतिका को लाइव फीड में देखा कि वो रो भी रही थी, रोने की तो बात है ही, बात मतलब वक्त वक्त पे उसको सुनना ही पड़ेगा। हालांकि उनके घर में अरमान ने उसको एक्सेप्ट करा, पायल ने उसको एक्सेप्ट करा, तीनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट करा और अच्छा माहौल के साथ वो तीनों रहते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। अभी जब पायल बाहर निकली और पायल को बहुत ट्रोलिंग करी गई, तब उसने ये बोलना शुरू करा कि मैं अपने बच्चों को लेकर अलग हो जाऊंगी, अलग रहूंगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे, इनको क्या कहेंगे, क्या समझाएंगे, तलाक ले लूंगी। मीडिया ने आके वो सारी बातें बोल दी वहां पर। तो हालांकि इंटरनली अरमान बहुत परेशान हो गया था, कृतिका भी परेशान हो गई थी, लेकिन जब उसने मीडिया के थ्रू ये बात सुनी डाइवोर्स की और ट्रोलिंग की और पायल अलग रहने की बात कर रही है, तो अंदर वो बहुत दुखी हो गया था, क्योंकि बाद में उसने कुछ बातें कही। अब देखिए मीडिया तो मजा लेगी ना, मीडिया तो अपना जो सवाल है वो पूछेगी और उसने भी बाखूबी आंसर दिया। कुछ शब्दों को रणवीर ने उसको बताया कि आपको शब्दों पे काम करना पड़ेगा, जैसे उसने कुछ शब्द बोले, एक शब्द बोला कि मैंने इन्हें रखा हुआ है, तो कोई सामान तो नहीं है जो आपने रखा हुआ है, ऐसा एक जर्नलिस्ट ने टोका भी। अब आई बारी कृतिका की। कृतिका भी बहुत उन्होंने लानतान करा, बहुत मतलब कठिन वर्ड्स के साथ पूछा गया, चाहे डायन बोला, चाहे सात घर बोला, चाहे कुछ भी बोला, मतलब वो भी अंदर बहुत दुखी थी, जवाब दिया उसने। और ये सच बात है कि कृतिका अरमान के साए में खेल रही है, मतलब इस इतने दूर तक आ गई है कृतिका। फिर उसने रणवीर से भी पूछा, रणवीर ने भी अच्छे जवाब दिए, बहुत सही जवाब दिए। सना मकबूल की बात करते हैं, सना मकबूल से भी उन्होंने सवाल करे, उसने भी जवाब दिया, लेकिन उन्होंने भी ये जता दिया कि ऐसा लगता है कि आप घमंड में भरी हो, आपका ये जो स्टेटमेंट आया है कि मैं सबसे ऊपर हूं, मैं बहुत सुपीरियर हूं, जो भी आपका स्टेटमेंट है, और मैं जीतना चाहती हूं, मैं जीतूंगी, और आपने ये मैसेज भी दे, देखो मैं जहां तक सोचती हूँ उसने अपना जो सहानुभूति कार्ड खेला है कि मैं अगर नहीं जीती तो मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, ताकि ये मैसेज बिग बॉस तक पहुंच जाए। अब ऐसा लगता है कि कहीं बिग बॉस उसी को ना जिता दे, क्योंकि उसने तो यही शब्द बोल रही है ना। हालांकि उसने रणवीर से बहुत बदतमीजी करी, इसका मतलब ये नहीं कि रणवीर वन ऑफ माई फेवरेट है, पर यह है कि वो बहुत बड़ा है और तमीज, जब तुम चार शब्द गलत बोलोगी तो तुम सुनोगी नहीं। बाद में उसने रियलाइज करा कि उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर अच्छा नहीं लगा। सना मकबूल जो ऐसा बोलती है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसने अपनी बात बिग बॉस तक पहुंचा दी, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। सब मेहनत कर रहे हैं, अब तो ये कह सकते हैं कि भाई चार दिन रह गए हैं फिनाले में, तो आज या कल तक दो जन तो आउट होंगे। मुझे तो लगता है अरमान भी आउट हो जाएगा और कटारिया भी आउट हो जाएगा। अब तो मैं खुद भी हिल गई कि ये दोनों आउट हो जाएंगे, जबकि ये दोनों
टॉप फोर तक पहुंचने वाले हैं बंदे, लेकिन बिग बॉस का कोई भरोसा नहीं। अब सना मकबूल भी ये बोल रही है कि मैं अगर नहीं जीती तो मैं, मेरे दिल में एक स्कार्स रह जाता है और मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी। सबसे बढ़िया नेजी का सवाल का जवाब था। नेजी से बहुत कुछ पूछा गया और नेजी चिल्ला पड़ा जब उससे पूछा गया कि तुम्हारी ये दोस्ती प्यार तक कहां तक पहुंची है। वो चिल्ला पड़ा एकदम उस जर्नलिस्ट के ऊपर। हालांकि दूसरे जर्नलिस्ट ने बाद में कहा कि हम सब की तरफ से माफी मांगते हैं। नेजी भी ऐसा नहीं है, उसको ये अच्छा नहीं लगता कोई मुझसे माफी वगैरह मांगे, लेकिन उसने सुना दिया, उसने बता दिया कि भाई अपशब्द का प्रयोग मत करो। ऑन द होल देखा जाए तो कल का दिन एकदम हॉट डे था। हॉट, ये देखिए, हॉट डे था, मतलब एक एक की फिरकी ली गई और एक एक की धज्जी उड़ाई गई खुलकर मीडिया वालों ने। मीडिया वाले जब पूछते हैं तो बिंदास पूछते हैं। साई से भी पूछा गया कि तुम यहां तक, अब जैसे सना मकबूल ने कहा कि मुझे बहुत ताज्जुब लगता है साई यहां तक कहां पहुंच, ये साई यहां कहां तक पहुंच गया, उसका खुद का कोई कंटेंट नहीं है, खुद का कोई मुद्दा नहीं है। तो साई ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया कि जब मुद्दा मैं यहां बैठा कैसा हूं, मेरा खुद का कुछ होगा तभी तो मैं यहां तक पहुंचा हूं। लवकेश के जवाब मुझे इतने मजेदार नहीं लगे, वही बात कि तुम्हारा स्टेटमेंट बदल गया। वो सच्चा लड़का है, उसने एकदम बोला देखो शब्दों का हेर फेर तो हो ही जाता है, क्या कहा गया मैं भूल गया, मेरा कुछ और शब्द निकल गया, सुंदर की जगह अच्छी निकल गया। सो ये सब पूछा गया कल का दिन, लेकिन वो भी घबरा गए थे। उसके बाद एक टास्क भी हुआ नॉमिनेशन का, बहुत बढ़िया टास्क था कि भाई तुम हंसी कायम रखो, और उसमें नॉमिनेट हुए सना मकबूल, लवकेश कटारिया और साई केतन, और अरमान तो पहले से ही नॉमिनेट है। तो पूरी कहानी ये रही, तो इसलिए मैंने मेरे दिल ने कहा कि मैं आज का रिव्यू जरूर देती हूँ कि आज का मीडिया डे का रिव्यू क्या रहा। और मीडिया डे जब आता है तो बहुत मजा आता है, वो लोग क्वेश्चन करते हैं और वो लोग आंसर देते हैं, और खटाखट खटाखट खटाखट, कोई ऐसा नहीं होता कि कोई अपने आंसर में पीछे रह जाए, जो पूछा उसका एकदम बिंदास जवाब देते हैं। घर में रहकर इतने वो मतलब एक्सपर्ट हो जाते हैं, क्योंकि किसी को भी किसी की बात का जवाब, मतलब कोई किसी की रखता नहीं है, वो घर ही ऐसा है कि जहां पर आप बढ़ चढ़कर तो फाइट करते हैं, बढ़ चढ़कर बुराई करते हैं, बिचिंग करते हैं, तो वो घर ही ऐसा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।